वेलकम टू यंत्रिकी दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स। इससे पहले हमने बहुत सारे मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस किया। इस समय मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स पे डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि बहुत ही कॉमन है और अक्सर यूज में आता है। और 3x3 मैट्रिक्स एक ऐसा कॉमन सिनेरियो है जो अक्सर हम यूज करते हैं, एग्जाम्स में भी ये काफी कॉमन होता है। तो आइए देखते हैं कुछ इजी स्टेप्स जिससे हम एक 3x3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को बड़े ही कम समय में निकाल सकते हैं। एक जनरल मेथड जो हम यूजुअली यूज करते हैं, हम उस मेथड के अलावा एक सारस मेथड है, उस मेथड के यूज से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स में कैसे हम डिटरमिनेंट को कम से कम समय में कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं वो 3x3 मैट्रिक्स। यहां पे कंसीडर करते हैं, ए एक 3x3 मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट्स आप देख सकते हैं 1 2 3 0 4 5 1 0 6। तो ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। और अगर हमको इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो इस पे हम सारस मेथड यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं सारस मेथड को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम डिटरमिनेंट ऑफ ए एक जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हमने पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसको इस तरह से लिख लिया, C1, C2, C3। तो आप देख सकते हैं इसके एलिमेंट्स इस तरह से लिखे हुए हैं, 1 2 3 0 4 5 1 0 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, और ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 है। तो सारस मेथड के अकॉर्डिंगली हम पहले दो कॉलम्स C1 और C2 को एग्जैक्टली राइट साइड में बिल्कुल उसी तरह से लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 101 है, तो हमने इस एग्जैक्ट सेम चीज को राइट साइड में कॉपी किया, 101, और C2 240 एग्जैक्टली हमने इधर जो मैट्रिक्स के कॉलम 1 और कॉलम 2 को कॉपी करके इधर लिख दिया। यहाँ पे हम रो से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं कि हमको कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 जो मैट्रिक्स का मेन लिया हुआ था, किस तरह से कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमने यहाँ पे राइट साइड पे लिखा है। अब आप देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हम कॉलम 1 से शुरू करते हैं। अगर कॉलम 1 से हम ऐसे डायगनली यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स आएंगे इस मैट्रिक्स में वो होंगे 1 4 और 6। तो हम इन तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 5 1 प्लस 3 0 0। हम इन तीनों इसके जो अपने एलिमेंट्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब हो गया 1 × 4 × 6 प्लस 2 × 5 × 1 प्लस 3 × 0 × 0 माइनस। अब हम इधर से दूसरे तरफ से जब कॉलम जो हमने कॉपी किया हुआ था राइट साइड में वहां से कैलकुलेट करेंगे, तो हम बीच में माइनस डालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में मैंने शो किया है कि कैसे हमने आधे पार्ट को इधर लिख लिया है जो आपस में प्लस हो रहे हैं, माइनस। अब हम इधर से शुरू करते हैं, तो माइनस एक ब्रैकेट के अंदर हमने लिया 2 × 0 × 6 प्लस 1 × 5 × 0 प्लस 3 × 4 × 1। तो यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन 3x3 मैट्रिक्स ए का वो इस फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मल्टीपल आ गया वो 24 हो गया, और ये 10 हो गया, और इधर 3 × 0 × 0 ये 0 हो गया। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए, इन सबको हम ऐड करेंगे, माइनस 2 × 0 × 6 0 हो गया, 1 × 5 × 0 0 हो गया, 3 × 4 × 1 12 हो गया। तो 24 + 10 = 34, माइनस 12 = 22। तो इस गिवन मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट जो वैल्यू होगी वो 22 होगी। तो इस तरह से सारस मेथड के हेल्प से हमने इसको बहुत जल्दी निकाल दिया। क्योंकि मैंने इसको समझाया इसलिए इसको थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अगर आप इसके यूज टू होंगे तो ये मेथड के हेल्प से आप आधे मिनट से भी कम समय में किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर वीडियोज।